जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है दिनेश और यह है दोस्तों हमारा पोको F1 जिसमें हमने विंडो इंस्टॉल किया था। तो फिलहाल मैंने इस पर विंडो 10 डाल लिया है। पहले मैंने आपको दोस्तों विंडो 11 जो इंस्टॉल करके दिखाया था। तो दोस्तों विंडो तो हमने इंस्टॉल कर ली, लेकिन इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं इस पर दोस्तों आपको वन बाई वन करके कम्प्लीट वीडियो मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इस वाले डिवाइस का यूज़ करके हम इस वाले सैमसंग मोबाइल को कम्प्लीट फ्लैश करेंगे। देखते हैं कि ये फ्लैश कर पाता है या नहीं। और देख सकते हो यहाँ पे इस पर अभी पैटर्न लगा हुआ है, तो कंप्लीट फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सैमसंग का ड्राइवर जो इंस्टॉल कर लिया है। सैमसंग का ड्राइवर जो हम नॉर्मली पीसी पे डालते हैं वो इस पर इंस्टॉल हो रहा है। ऐसे नहीं कि ये आर्म 64 है तो नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है। सैमसंग का जो है इंस्टॉल हो गया। बाकी अदर का क्या हाल है वन बाई वन करके अपन जो है देखेंगे। तो दोस्तों अब मैं सिंपल से इस पर जो फ्लैश फाइल है वो कॉपी करूँगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ USB पे जिसका जो फ्लैश फाइल है वो रखा हुआ है, तो यहाँ पे है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो लगभग 500-600 MB के आसपास है फाइल, तो थोड़ा सा टाइम में कॉपी हो जाएगा। तो ड्राइवर जो है दोस्तों आप अगर आप भी कर रहे हैं तो इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पे मैंने ओडिन जो है ओडिन टूल उसे पहले ही कॉपी कर रखा है। तो जब तक फाइल जो है मूव होता है अपन इस वाले फोल्डर जो है ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे फाइल जो है मूव हो रहा है, सॉरी कॉपी कर रहे हैं अपन, मूव नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फाइल कॉपी हो गया। अब इसको हम जो है इजेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसका काम ख़त्म हो गया। और इस वाले केबल का मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लैशिंग के लिए। तो इस पे OTG मैं कनेक्ट करके इस वाले मोबाइल पे लगा देता हूँ कुछ ऐसे, ताकि ये आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो अब बारी आती है दोस्तों टूल को ओपन करने का। तो सिंपल से हम यहाँ से टूल ओपन कर लेते हैं। ये रहा टूल। ओके, देख सकते हो ओडिन। अब इस पर अपन जो है फ्लैश फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो BL पे हमें BL डालना है, तो ये रखा है मैंने डेस्कटॉप पे। ये BL जो है लोड हो रहा है। अब हमें AP लोड करना है, तो AP के लिए मैं AP सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हम 4 फाइल से फ्लैश कर रहे हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे AP भी लोड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें CP लोड करना है, तो CP के लिए मैं CP सेलेक्ट करूँगा फिर ओपन कर दूँगा। तो ये CP भी लोड हो गया। अब CSC लोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चारों फाइल जो है लोड हो चुका है। अब आती है बारी डिवाइस को डाउनलोड मोड पे ले जाने के लिए। तो सिंपल से मैं इसको कर देता हूँ डाउनलोड मोड पे। ओके, तो ये आ गया डिवाइस डाउनलोड मोड पे। अब इसको जो है दोस्तों मैं कनेक्ट करूँगा। तो एक बार मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये माउस और ये कीबोर्ड दोनों को मैं यहाँ से साइड कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी केबल वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है, सिर्फ ये मोबाइल है जिस पे हमने विंडो इंस्टॉल किया था। और एक ये अपना सैमसंग का डिवाइस, दोनों ही है, ठीक है। देख सकते हो ये रहा, मैं दिखा देता हूँ। अब इसको मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ और गौर से देखो यहाँ पे पोर्ट जो है आ चुका है। मैं एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ। देख सकते हो कॉम आ चुका है यहाँ पे, मीन्स ये कनेक्ट हो चुका है। तो सिंपल से अब दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आप देखना उस पर रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया और यहाँ देख सकते हो सिस्टम पे आ गया है। और इधर पे देख सकते हो फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं कंप्लीट फ्लैशिंग में कितना टाइम लेता है।
यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार और दिखा देता हूँ, देख सकते हो कुछ भी एक्स्ट्रा कनेक्टेड नहीं है। ये मोबाइल से वो वाला मोबाइल जो है फ्लैश हो रहा है कंप्लीट, वो भी ओडिन टूल से जो कि हम पीसी पे यूज़ करते हैं, उसको हम अपने मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। तो आगे दोस्तों हम काफ़ी सारे टूल जो है टेस्ट करेंगे, जैसे कि क्यू फिल है, एसपी फ्लैश टूल है, एसपीडी अपग्रेड टूल है। ये सारे टूल जो है वन बाय वन करके हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में ये एक कंप्यूटर का पूरा काम कर पाता है कि नहीं। तो ड्राइवर वगैरह दोस्तों सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना यार, और जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और अभी देख सकते हो दोस्तों ये लगभग कंप्लीट फ्लैश हो गया। जैसे कंप्लीट फ्लैश होगा यहाँ पे पास लिख के आएगा, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन चेक आ चुका है पास लिख के। और यहाँ पे देखोगे तो डिवाइस जो है रिस्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इधर का काम फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया, अब यूएसबी हटा सकते हैं। और उसको होने देते हैं अपडेट, देख सकते हो वो डिवाइस जो है ऑन हो रहा है अब तो, कंप्लीट फ्लैश हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा ऑन होने में, तब तक मैं आपको ये वाला ओडिन टूल दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ओडिन का वर्जन 3.14। और यहाँ पे सारे फाइल्स वगैरह देख सकते हो। तो इस पे पैटर्न था, हमने इसे कंप्लीट फ्लैश किया इस वाले डिवाइस से। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस जो है ऑन हो चुका है और कुछ ऐप्स वगैरह जो इंस्टॉलिंग होना है वो हो रहा है। अभी कौन सी लैंग्वेज में है ये तो पता नहीं चल रहा, आगे जाके हमें लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे डिवाइस जो है कंप्लीट फ्लैश होने के बाद ऑन होता है सैमसंग का, ठीक देख सकते हो यहाँ पे वैसे ये ऑन हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ से अपन जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं एक, तो कौन सा वाला चाहिए अपने को, अपने को चाहिए इंग्लिश यूएस, ओके ये मिल गया। तो दोस्तों देख सकते हो इस पर जो पैटर्न था वो हट चुका है और ये जो है कंप्लीट फ्लैश हो चुका है, देख सकते हो सेटअप स्क्रीन इसका। तो भाई आगे चल के अपन जो जितने भी और टूल है एसपीडी के लिए, एमटीके के लिए, कोलकम के लिए, सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। साथ में दोस्तों ये सब भी टेस्ट करेंगे कि क्या इस पे मिरेकल बॉक्स एमआरटी वगैरह रन कर पाएगा या नहीं, यानी कि कंप्लीट जो मोबाइल फ्लैशिंग का काम इससे हम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ऐसे जिसके पास जो है पीसी नहीं होते, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ सेकेंड हैंड मोबाइल मिल जाए जैसे कि पोको F1, ये मैंने ख़रीदा है 7,000 रुपये में, और उसके जस्ट एक मंथ बाद में, मुझे एक मंथ नहीं एक वीक बाद में 5,500 रुपये में भी ये वाला मॉडल मिल रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक सेकेंड हैंड मोबाइल पोको F1 या फिर OnePlus वगैरह का जुगाड़ करके एक कंप्यूटर का कहा जाए तो एक लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना, और जो लोग चैनल पर नए हो तो यार भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।